हेलो किचन क्वींस एंड किंग्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रोटी बनाने की रेसिपी। तो रोटी बनाना सबको आता है, लेकिन आज हम रोटी बनाएंगे बिना किसी झंझट के, यानी कि हमें आटा तक गूंदने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही क्विक रेसिपी है ये रोटीज बनाने की, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक बड़े मिक्सिंग बाउल में ले लिया है 1 कप गेहूं का आटा। आप गेहूं के आटे की जगह मैदा भी ले सकते हैं। और इसमें हम डाल रहे हैं 1/4 टीस्पून नमक। नमक को आटे के साथ एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और आज हम रोटी बनाने के लिए इस आटे को गूंदेंगे नहीं, हमें लिक्विड बैटर तैयार करना है। तो अब हमें इसमें ऐड करना होगा पानी। जितना हम रोटी आटे के लिए गूंदने के लिए पानी लेते हैं, उससे यहाँ पर हमें लगभग 3 गुना ज़्यादा पानी लेना होगा। तो मैंने यहाँ पर 1 कप आटा लिया था और इसमें अभी मैंने डाल दिया है 1 कप ही पानी। एक बार इतने पानी के साथ आटे को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपकी रोटी गोल नहीं बनती है या फिर आपको रोटी बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत काम आएगी, ट्रस्ट मी। जो ये रोटियां बनकर तैयार होंगी, कोई बता भी नहीं पाएगा कि हमने इनको एक शॉर्टकट तरीके से बनाया है। तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना आप। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3/4 कप और पानी, यानी कि 1 कप से थोड़ा कम पानी मैंने और डाल दिया है। यानी कि 1 कप आटे में टोटल मैंने पानी डाला है 2 कप से थोड़ा सा कम, क्योंकि काफ़ी लिक्विड बैटर हमें यहाँ पर चाहिए, थिन बैटर हमें यहाँ पर चाहिए। बैटर हमारा बिल्कुल भी ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो रोटियाँ जो होंगी वो मोटी मोटी बनेंगी और खाने में अच्छी नहीं लगेंगी। तो अब हम आटे को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जिससे कि आटे की कोई गुठलियाँ नहीं रह जाए बैटर में। तो आटे को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑयल। तो ऑयल डालना यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन ऑयल डालने से रोटियाँ थोड़ी और सॉफ्ट बनती हैं। पर हाँ, अगर आप चाहें तो ना डालें। और ऑयल को भी हम एक बार बैटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारा बैटर अब कुक करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, किस तरह की कंसिस्टेंसी है ये। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखेंगे हम बैटर को, और इससे ज़्यादा पतला भी नहीं रखेंगे। तो बस आप ये नाप ध्यान रखिएगा कि 1 कप आटे में हमें 2 कप से थोड़ा सा ही कम पानी डालना है, यानी कि 1 कप + 3/4 कप। तो चलिए अब हम रोटियां बनाना शुरू करते हैं। तो गैस पर हमने यहाँ पर एक पैन रख लिया है मीडियम टू हाई फ्लेम पर, और तवा हमारा गरम हो चुका है। तो चलिए अब एक बड़ी करछी की हेल्प से हम पैन के बीच में इस तरह बैटर डालेंगे। बैटर अपने आप ही गोल शेप ले लेगा। बहुत हल्की सी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, शेप हल्की सी गड़बड़ हो गई है, पर यूजुअली बिल्कुल गोल शेप की बनती है ये रोटियाँ। तो बैटर को हम लोग बीच में डालेंगे, अपने आप ही पैन की ये शेप ले लेगा, गोल शेप ले लेगा। और बस अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमें इस रोटी को दोनों तरफ से अच्छे से सेकना है। और आप देख सकते हैं रोटी ऊपर से ड्राई हो गई है, तो इसको पलट लेते हैं हम। और दोनों तरफ से हल्का हल्का सेकने के बाद आप देख सकते हैं हमारी रोटी बहुत अच्छे से फूल भी गई है। तो इसी तरह से हम लोग सारी रोटियां बना लेंगे, बचे हुए बैटर से और रोटियां बना लेंगे। तो बहुत ही आसान रेसिपी है ये। अगर आप किचन में बिगिनर है, कुकिंग आपने नई नई स्टार्ट की है, तो इस तरह से रोटियां बनाइए, किसी को पता भी नहीं चलेगा आपने शॉर्टकट रेसिपी अपनाई है रोटी बनाने के लिए। तो चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। ऐसी और इजी रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि आपके पास मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन या मैसेज पहुंच सके।